तो हमारे इस नए वीडियो पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि सर्वोकॉन कंपनी का स्टेबलाइजर है। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। ये एक एसी पर इस्तेमाल होने वाला 4 KV का ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है, कॉपर वाइंडिंग में है या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग में है, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्त, घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। अगर आप घंटी के निशान को दबा देंगे तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, अब देखते हैं कंपनी ने इस स्टेबलाइजर के बारे में क्या बता रखा है। देखिए, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर मॉडल SK413C, वोल्टेज रेंज 130 वोल्ट टू 280 वोल्ट, यानी 130 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट इनपुट आने तक स्टेबलाइजर वर्क करेगा। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इसका डेट डाल रखी है, बाकी सीएल नंबर वगैरह कंपनी ने डाल रखा है। अब हम सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे कि स्टेबलाइजर 130 वोल्ट से हमारा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए पहले यही चेक करते हैं। इसमें इनपुट वोल्टेज दिया है 130 वोल्ट इनपुट वोल्टेज देते हैं, उस पर देखते हैं आउटपुट वोल्टेज कितना निकाल रहा है हमारा स्टेबलाइजर। ये देखिए, इनपुट वोल्टेज 134 वोल्ट होने पर, यानी 130 से ज्यादा, आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है हमारा 190। तो इसका मतलब कंपनी का ये दावा झूठा है कि ये 130 वोल्ट से वर्क कर रहा है। ये स्टेबलाइजर हमारा 140 वोल्ट से वर्क कर रहा है, यानी 140 वोल्ट इनपुट आने पर आउटपुट ये 200 वोल्ट निकाल के देगा। ये देखिए इनपुट वोल्टेज, मैंने 140 बल्कि 141 वोल्ट से दिया है तभी आउटपुट 200 वोल्ट निकाल रहा है। इसका मतलब इसकी वोल्टेज रेंज 140 से स्टार्ट है, 130 से जो कंपनी का दावा है वो दावा गलत है। अब आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए, अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसमें दो ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले दे रखी है, और इसमें एक ये टोरो ट्रांसफॉर्मर दे रखा है। टोरो ट्रांसफॉर्मर यानी कि गोल्ड ट्रांसफॉर्मर। और ये देखिए, डिस्प्ले इसका इस किट से अटैच है। अब बात आती है कि ये कॉपर में है या फिर एल्यूमिनियम में है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आपको सर्वोकॉन का कोई भी स्टेबलाइजर देखकर आप आसानी से समझ जाओगे कि कॉपर बाइंडिंग में है या एल्यूमिनियम बाइंडिंग में। हमने तो इसे खोला है। देखिए, ये हमारा स्टेबलाइजर कॉपर बाइंडिंग में है। आपको बताते हैं, ये हमने थोड़ा सा वायर इसका निकालकर यहाँ पर हमने घिसकर देखा है, तो ये यहाँ पर कॉपर बाइंडिंग में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्टेबलाइजर कॉपर बाइंडिंग में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सर्वोकॉन के सारे वोल्टेज स्टेबलाइजर कॉपर बाइंडिंग में ही होते हैं। इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग और कॉपर बाइंडिंग दोनों ही बाइंडिंग में स्टेबलाइजर आते हैं। कंपनी ने इसकी पहचान करने का एक तरीका भी दे रखा है, बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। ये देखिए, ये जो इसका मॉडल है SK413C, जिस पर भी सी लिखा होगा वो कॉपर बाइंडिंग में है, और अगर ये एल्यूमिनियम बाइंडिंग का होता तो यहाँ पर सी की बजाय ए लिखा होता। इससे हमें बिना खोले मालूम पड़ जाता है कि स्टेबलाइजर कॉपर बाइंडिंग में है या फिर एल्यूमिनियम बाइंडिंग में। और ये मैं सर्वोकॉन की बात कर रहा हूँ, बाकी और कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्वोकॉन में ये लिखा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को दबाएंगे तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।